हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी कि जो हमारा ब्रेन है उसकी फंक्शन है, आप सबको पता है कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं करने से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आ सकता है, ये सब चीजें तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, प्लस जो हमारा ब्रेन है उसकी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। मतलब कि एक्टिव और अच्छा माइंड आपको अगर चाहिए तो इन विटामिन को आप अपनी डाइट में आज से शामिल कर लीजिए। कह सकते हैं मैं विटामिन का प्रमोशन कर रही हूँ, बट हाँ ये सच है कि कुछ ऐसे विटामिन, कुछ असेंशियल विटामिन होते हैं जो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो आज की वीडियो है उसमें मैं यही करवाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको विटामिन के नाम बताऊंगी, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका हर तरीके से अच्छा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकेडमिक्स में 9th, 10th, 11th, 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं, बायो है तो आपसे पूछा जा सकता है, प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगर कोई नहीं भी पूछता तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग और ब्रेन की इम्पॉर्टेंस हम सबको पता है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपनी डाइट में इन सब विटामिन्स को इंक्लूड कर सकते हैं फॉर हेल्दी ब्रेन। नाउ ब्रेन की हेल्थ जो है ना वो तीन विटामिन्स के ऊपर मेजरली डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज B6, सेकेंड वन इज B9 एंड थर्ड वन इज B12। तो आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले जो क्वेश्चन है विटामिन्स पे, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो। लेकिन उस तक आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये मैंने तीन विटामिन बोले हैं, B6, B9 और B12, ये विटामिन कौन सी कैटेगरी के हैं, फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल, कमेंट करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आंसर दे दूंगी, लेकिन आपको उससे पहले इसका कमेंट करना है। प्लस ये भी बताना है कि जो डिवीजन है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का विटामिन का, उनमें कौन कौन से विटामिन आती है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दीजिए। बाकी इसके अब जो है ना सोर्सेस, मतलब जो मैंने आपको बता दिया विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है, B9 इंपॉर्टेंट है और B12, ये ब्रेन की हेल्थ के लिए तीन विटामिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके सोर्सेस क्या हैं, अब इनको कैसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या आप ऐसा खाएं कि ये आपकी डाइट में आ जाएं या आपकी ब्रेन तक इनकी, मतलब ये आपकी बॉडी में चली जाएं, तो क्या क्या ये फूड सोर्सेस हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जो विटामिन B6 है ना उसके जो फूड सोर्सेज है उसमें आता है बनाना, नेक्स्ट वन इज एग एंड नंबर वन इज स्पिनच। वैसे और भी आते हैं, मैंने यहाँ तीन लिखे हैं, बनाना, एग और स्पिनच। बनाना हो गया एक फ्रूट हो गया, एग नॉन वेजिटेरियन में आ गया, स्पिनच किस में आता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आता है। B6 हो गया, इसके बाद में आती है B9 पे। B9 जो विटामिन है इसके क्या क्या फूड सोर्सेज होते हैं, सबसे पहला तो इसमें जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं बहुत ही डार्क कलर में, लाइक ब्रोकली जो होती है काफी ज्यादा डार्क होती हैं, तो ये चीजें किसमें आती हैं आपकी B9 में, जो ये फूड सोर्स है इसमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। उसके बाद में बीन्स आती हैं और पीनट्स आते हैं और होल ग्रेन मीन्स की जो साबुत अनाज होता है, फॉर एग्जांपल बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, इस टाइप की चीजें ये किसमें आती हैं B9 में। B9 जो विटामिन का सोर्स है उसमें जो फूड सोर्स में आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है B12। वैसे जो B12 है ना वो B6 और B9 से थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ फिर मैं आपको इनसे क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। B12 में क्या आता है, मीट, पोल्ट्री, सी फूड, एग, मतलब कि ये जो है ना ये सारी नॉन वेजिटेरियन चीजें होती है ना उनमें मिलता है, जो मांसाहारी चीजें होती हैं ये वो चीजें हैं जो प्लांट से नहीं मिलती। जो B12 विटामिन है ना वो किससे मिलता है आपको, प्लांट से नहीं मिलता। बाकी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर उसके अलावा मीट, पोल्ट्री, एग, ये सारी चीजें या सी फूड, इनसे आपको क्या मिलता है, B12 मिलता है। अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहली चीज बताई कि जो ब्रेन है उसकी हेल्थ के लिए तीन विटामिन इंपॉर्टेंट है, एक हो गया B6, B9 और B12। उसके बाद में मैंने इसके फूड सोर्सेस आपको बता दिए कि इसके फूड सोर्सेस क्या होते हैं। तो फूड सोर्सेस में जो दो विटामिन है B6 और B9, ये दोनों जो विटामिन है ना ये प्लांट से रिलेटेड होती है, प्लांट से भी रिलेटेड होती है, इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें आती हैं। लेकिन जो B12 है ना वो एक एक्सेप्शन केस है, इसमें प्लांट का कोई सोर्स नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता या प्लांट सोर्स नहीं होते, तो आपको आंसर लिखना है B12।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ B6, B9 और B12 ये जो है ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, तो ये तीनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इसके अलावा जो विटामिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल एंड सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे दो आती हैं, एक होती है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये जो B6, B9, B12 है ना ये विटामिन बी की सब कैटेगरीज है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियोस में और कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ और ऐड ऑन करना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या वो चीज समझना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स फैंटम को। थैंक यू।